हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो पहले तो हम बात करते हैं पिछले रेस की, जो कि डेट था 26/3/2023 बम्बई रेस। टोटल 9 रेस का कार्ड था एंड जैसे मैंने कहा था कि टोटल 9 रेस कार्ड है, कुछ रेसेस अपसेट्स हो गए। तो वैसे तो सेकेंड एंड थर्ड रेस जो बच्चों की रेस से, ऑफकोर्स उसमें हर टाइम कोई भी ट्राई करता है, इसलिए बच्चों की रेस में हमेशा संभाल कर खेलना चाहिए, तो उसमें ही अपसेट्स हुआ है। बट बाकी हमारा सिलेक्शंस काफ़ी तक अच्छा रहा एंड बोर्ड पे है। तो चलते हम आज की रेस की तरफ, जो कि डेट है 27/3/2023 दिल्ली रेस। टोटल 6 रेस का कार्ड है एंड पूरा रेस कार्ड एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि रेस कार्ड ठीक ठाक है, मतलब मोस्टली तो फेवरेट होनी चाहिए। तो चलते हम दिल्ली के फर्स्ट रेस में, द एमसी वर्मा मेमोरियल प्लेट लेवल 100 मीटर। दिल्ली फर्स्ट रेस, फर्स्ट चॉइस इज 4 नंबर हॉर्स डेयरिंग डीवा डीएस देवरा फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस इज 6 नंबर हॉर्स सीक्रेट पिलग्रिम कुंदन पासवान फॉर विन प्लेस। तो दिल्ली का फर्स्ट रेस जो कि बच्चों की रेस है, तो संभाल कर खेलिए, क्योंकि बच्चों की रेस में हमेशा कोई भी ट्राई करता है, पर 4 नंबर लास्ट टाइम उसका रन अच्छा है पूरे फील्ड में, तो इसलिए बोर्ड पे होना ज़रूरी है। डीएस देवरा है ऊपर से अच्छा जॉकी है, तो 4 नंबर बेटर है। बट 6 नंबर जो कि सीक्रेट प्रोग्रीम है, लास्ट टाइम रन इतना ख़ास नहीं है, आउट भागा है, बट हमेशा स्टील पे भागा है। सो मतलब कि अभी इशू चेंज हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम पे भाग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा 6 नंबर पे, मतलब थोड़ा रन अच्छा दिखाएगा, तो इसके लिए 6 नंबर को भी हमें चांस लेके देखना चाहिए, क्योंकि शू चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट रेस में मुझे 4 और 6 दोनों ही पसंद है, डैट इज़ डेयरिंग दीवा एंड सीक्रेट पिलग्रिम। तो चलते हम दिल्ली का सेकंड रेस में, द एसएमटी एमके वर्मा मेमोरियल प्लेट क्लास 5/1200 मीटर। दिल्ली सेकंड रेस, फर्स्ट चॉइस इज 2 नंबर हॉर्स शैली का ईश्वर सिंह फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स रॉयल टाइम आर यूसुफ फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स रॉयल विजम अंगद फॉर प्लेस। तो दिल्ली का सेकंड रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर शैली का जो कि लास्ट टाइम स्टील पे भागा है और फोर्थ हुआ है, एंड ऑफकोर्स क्लास डाउन हो रहा है क्लास 4 से क्लास 5, तो ऑब्वियसली बहुत चांस बनता है 2 नंबर का शैली का। एंड 1 नंबर ऑफकोर्स रॉयल टाइम भी क्लास डाउन हो रहा है, मतलब क्लास 4 से क्लास 5 आ रहा है एंड स्टील पे भागा है हमेशा, तो अभी प्लेट चेंज हो रहा है, मतलब शू चेंज हो रहा है एल्यूमिनियम पे, तो इस पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, मतलब बोर्ड पे ज़रूर आ सकता है। तो 2 और 1 मुझे ज़्यादा पसंद है शैली का एंड रॉयल टाइम। रॉयल विजडम अंगद थोड़ा बहुत तो प्लेसिंग के लिए ट्राई करेंगे बोर्ड पे लाने के लिए। तो चलते हम दिल्ली के थर्ड रेस में, द आरसी वर्मा मेमोरियल प्लेट क्लास 4/1400 मीटर। दिल्ली का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर हॉर्स रिवा डाविया अर्जुन फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स किंग्स क्रेजी कुंदन पासवान फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स रॉयल स्प्रिंग्स अंगद फॉर प्लेस। तो दिल्ली का थर्ड रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो 3 और 2 डेट इज़ रिवे डाविया एंड किंग्स क्रेजी। रिवे डाविया लास्ट टाइम मतलब क्लास डाउन होके आ रहा है, मतलब क्लास 3 से क्लास 4 हो रहा है एंड लास्ट टाइम इसका रन भी अच्छा है, तो अर्जुन ट्राई तो करेगा मतलब विनिंग के लिए, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है तो 3 और 2। तो चलते हम दिल्ली के फोर्थ रेस में, द मास्टर रेसिंग स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म कप डिवीजन 1000 मीटर क्लास 3। दिल्ली का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 6 नंबर ऑफ सिनोर जे प्रकाश फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 5 नंबर ऑफ फेरल धनु एस देवरा फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 3 नंबर ऑफ अश्व जौहर नरेंद्र एस राठौर फॉर प्लेस। तो दिल्ली का फोर्थ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो 6 और 5 डेट इज सिनोर एंड फेरल, एंड देखे जाए तो यहाँ पे तीनों भी हमारा चॉइस, इसका लास्ट रन बहुत ही बेटर है, तो होप आई होप सो के बोर्ड पे रहना ज़रूरी है, मतलब ऑड्स भी ज़रा देखिए, ऑड्स पे आपको पता चलेगा किस कौन सा घोड़े का चांसेस है बोर्ड पे आने का। तो चलते हम दिल्ली के फिफ्थ रेस में, द मास्टर रेसिंग स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म कप डिवीजन 2 क्लास 3000 मीटर।
दिल्ली का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स मिस कोलंबियाना एंड नरेंद्र एस राठ और फॉर इन प्लेस। सेकंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स मिस सेरिना कुंदन पासवान फॉर इन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स ब्रेड एंड बटर अर्जुन फॉर प्लेस। तो दिल्ली का फिफ्थ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। यहाँ पे मिस कोलंबियाना फुल फॉर्म में, मतलब हार्ड टाइम बोर्ड पे आ रहा है, तो आई होप सो कि इस बार भी अच्छा रन दिखाएगा बोर्ड पे आने के लिए। मिस सेरिना ऑफकोर्स वो भी बहुत ही बेटर है घोड़ा, तो ये भी ट्राई करेंगे मतलब बोर्ड पे आने के लिए। ब्रेड एंड बटर डासम फोतुआ है स्टील पे, अर्जुन जॉकी है, तो ये भी ट्राई करेंगे प्लेसिंग के लिए। पर ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो 2 एंड 5 डेट इज मिस कोलंबियाना एंड मिस सेरिना। तो चलते हम दिल्ली के 6th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द SMT GD डेवी बेबरियल प्लेट Class 2 लेवल 100 मीटर। दिल्ली का 6th रेस का फर्स्ट चॉइस है 13 नंबर हॉर्स टेक अ गैम्बल ईश्वर सिंह फॉर इन प्लेस। सेकेंड चॉइस है 11 नंबर हॉर्स एंजल इन माई हार्ट धनु एस देवरा फॉर इन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स मदर इंडिया राकेश फॉर प्लेस। तो दिल्ली का 6th रेस थोड़ा टफ रेस है, तो इसलिए सोच समझ कर खेलिए 6th रेस में, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ट्राई करेगा 6th रेस में। तो फिर भी हमारा बेस्ट जो है 13 लेवल एंड 1, जो कि 13 एंड 11 लास्ट टाइम रन बहुत ही बेटर है दोनों घोड़े का, मतलब फुल फॉर्म में है ईश्वर सिंह, आई होप सो ये बेटर ट्राई करेगा तो बोर्ड पे लाएंगे। एंड धनु एस देवरा भी बेस्ट जॉकी है, तो ज़रूर बोर्ड पे आना ज़रूरी है 11 नंबर एंड 1 नंबर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत अपसेट्स के लिए, क्योंकि 1 नंबर क्लास डाउन होके आ रहा है, लास्ट टाइम 5th भागा है, तो क्लास 1 से क्लास 2 में आ रहा है, तो घोड़े में ज़रा स्पीड है तो बोल ले सकते आप सेट कर भी सकता है। तो इसलिए आपको जो भी बेस्ट लगे इसमें आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा दिल्ली का 6th रेस का सिलेक्शन, आई होप आप सबको समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा, तो सोच समझ कर खेलिए लास्ट रेस। बाकी सब रेसेस मुझे ठीक ठाक तो लग रहा है, तो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द दिल्ली रेस। और टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।